अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेवरन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद और ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के हवाले से और साथ साथ आपसे ब्लॉग्स भी शेयर करूँगा, सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। सेवरन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बहन भाई थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे, यूट्यूब पर भी कर रहे थे और बाकी इंस्टा पर भी कर रहे थे कि भाई हमें प्लीज़ इस चीज़ के बारे में बता देना। वो है कि इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, उनको सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ जिनका वीज़ा आ चुका है ऑलरेडी, और जिनका अभी मतलब आगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि उनका भी इंशाल्लाह ज़रूर वीज़ा आएगा। सेवरन, आज आपके साथ शेयर करना था मैंने इमिग्रेशन क्वेश्चंस के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और जिनका वीज़ा आ गया है वो अभी ऑस्ट्रेलिया मतलब पैकिंग वगैरह हर चीज़ कर ली है उन्होंने, तो अभी बस ऑस्ट्रेलिया आ रही है। तो उन्होंने ये किया था कि भाई हमारे आने से पहले प्लीज़ हमें बता देना कि इमिग्रेशन क्वेश्चंस जो आप पर ऑफिसर्स पूछते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ताकि हमें पहले से ही हम अलर्ट रहे हों इस चीज़ पर और हमें सारे जो आंसर्स हैं वो पहले से ही मालूम हो और हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हमें हमारे पास होने चाहिए, मींस के डॉक्यूमेंट्स की वो बात कर रहे थे। सेवरन, जो सारी जो इमिग्रेशन क्वेश्चन जो हैं वो सारे आपके जो ऑफिसर्स आपसे पूछेंगे वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सेवरन, देखें अगर आप लोग किसी भी कंट्री से, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जब हमारा वीज़ा आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि मैंने भी इसी तरीके से किया था, जिसकी वजह से मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लेकिन उनका भी आंसर्स मैंने दे दिया था। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखिए जब आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद जैसे ही आप लोग पैकिंग वगैरह हर चीज़ कर लेते हैं तो मेन जो चीज़ होती है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो कि आप लोगों ने अपने साथ रखने होते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले जब आप लोग अपनी जो कंट्री के एयरपोर्ट में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ें आप लोगों के पास अटैच होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपके पास हो जाता है पासपोर्ट, आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद आपका जो आपकी जो कंट्री का आईडी कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, मींस के आधार कार्ड जिसे इंडिया वाले बोलते हैं, और उसके बाद बाकी आपके पास जितने भी ऑफर लेटर्स हैं जिस मतलब जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आपको ऑफर लेटर आया था वो सारे आपके पास अटैच होने चाहिए, और उसके बाद आप बाकी आपके जो आइट्स या पीटीए का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास अटैच होने चाहिए, और बाकी आपके पास जो मैट्रिक और बाकी अगर आप लोग सेकेंड ईयर के बाद आए हैं, अगर आप लोग बैचलर्स के बाद हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके सर्टिफिकेट्स आपके पास अटैच होने चाहिए, ताकि जब आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो सारी ये चीज़ें देखे तो ऑलरेडी आपके पास स्टेपलर होनी चाहिए। और उसके बाद जो मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है वैक्सीनेशन, आपके पास कार्ड भी रहेगा लेकिन आप उसकी भी एक फोटोकॉपी निकाल लेना, मैं तो ये आपको रिकमेंडेड करूँगा, आप सारी चीज़ों की एक दफ़ा फोटोकॉपी निकाल लेना। पासपोर्ट हो गया, उसके बाद आईडी कार्ड हो गया जिसे आधार कार्ड बोलते हैं, और बाकी वैक्सीनेशन कार्ड जो है उसकी फोटोकॉपी, और बाकी ऑफर लेटर्स हो गए, आइट्स या पीटी का सर्टिफिकेट हो गया, और बाकी आपके पास मैट्रिक सेकेंड ईयर या अगर आपके पास बैचलर्स, अगर बैचलर्स के बाद आप लोग आ रहे हैं मास्टर्स तक आपके पास आप जिस फील्ड में आ रहे हैं तो आपके पास सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास फोटोकॉपी भी होने चाहिए और ओरिजिनल भी होने चाहिए। जितने फोटोकॉपी हैं वो आप लोगों ने स्टेपलर कर लेने हैं, क्योंकि सेम इसी तरीके से मैंने किया था जब मैं अपनी कंट्री से आ रहा था तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बस ये पूछ रहा था कि आप लोग दो तीन चीज़ें आप लोगों से ये पूछेंगे कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बाद वो आपसे पूछेंगे आप किस इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, आप लोगों को इंस्टीट्यूट का नाम याद होना चाहिए कि आप लोग किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसका नाम हो गया, और किस कोर्स के लिए जा रहे हैं वो आप लोग को याद होना चाहिए, और बाकी यही दो तीन चीज़ें पूछेंगे। और मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग ऑस्ट्रेलिया में किस जगह पर जाएंगे, किस स्टेट में, किस एरिया पर, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, दो तीन चीज़ें ये आप लोगों से अपनी जो होम कंट्री है वहाँ पर आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, पासपोर्ट वगैरह आप लोग चेक करा देते हैं, उसके बाद जब आप लोग फर्दर जब प्लेन में आप लोग बैठते हैं, आप लोग किसी भी बाकी नेक्स्ट फर्दर आगे कंट्री जाते हैं, अगर आप लोग कतर से आते हैं, दुबई से आते हैं, या उसके बाद बाकी अगर आप मलेशिया, सिंगापुर, किसी भी कंट्री से अगर आप लोग बाकी फर्दर आपका प्रोसेस होता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो वहां पर भी उसी एयरपोर्ट में भी सेम आप लोगों से यही क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप लोग किस कंट्री जा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर आप लोगों का इंस्टीट्यूट का नाम और बाकी आप लोग जिस एड्रेस पर जा रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, और जो आपका मतलब आप किस स्टडी पर जा रहे हैं ये आप लोग को याद होना चाहिए, और बाकी वहाँ पर आपको कौन लेने आएगा, रिसीव करने आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ, वो है ये कि आप लोगों ने वहाँ पर कुछ फॉर्म्स भी आपको दिए जा सकते हैं जिसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि आपको कौन रिसीव करने आएगा वहाँ पर, और बाकी उनका जीमेल हो गया और बाकी
जीमेल नंबर और बाकी उनका नाम हो गया और उनका जो एड्रेस है कहाँ पर रहते हैं और वो आपके किस रिलेशन में क्या लगते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं लिखना उसमें कि हमारे रिलेटिव हैं, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोगों ने रिलेटिव के बारे में नहीं लिखना। बस आप लोगों ने यही लिखना, अगर आपको रिलेटिव भी रिसीव करने आते हैं तो आप लोगों ने उसमें बस यही मैंशन करना है कि हमारे एक फ्रेंड आ रहे हैं, या मतलब फ्रेंड आ रहे हैं जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो वो हमें रिसीव करने आएंगे। तो बस उसमें सिंपल यही आप लोगों ने लिखना है। और जैसे आप लोग आगे फर्दर जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों ने वहाँ पर आप लोगों को एक पैसेंजर कार्ड दिया जाता है जो कि प्लेन में दिया जाता है। तो प्लेन में आप लोगों ने उसको फिल करना होता है जो कि बहुत सिंपल है, आप लोग वहाँ से साथ से पूछ भी सकते हैं लोगों से। और उसके बाद आगे फर्दर ये प्रोसेस है कि जब आप लोग ये सारा मतलब जब आप लोग पैसेंजर कार्ड जो है वो फिल कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही मतलब ऑस्ट्रेलिया आप लोग जैसे ही पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट में, तो आप एयरपोर्ट में आपको के पास जो पैसेंजर कार्ड आप लोग को प्लेन में 1 आवर पहले दिया जाता है उसको आप लोगों ने पास रखना है। और उसके बाद सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने स्टेपलर कर लेने हैं साथ, एक साथ ही अटैच करके रखने हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि इसमें आप लोगों को कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने किया था प्रोसेस इसी तरीके से आप लोगों ने करना है, क्योंकि ऐसे भी होता है कि मैंने खुद देखा है कि जब हमारे सामने मुझसे जब क्वेश्चंस पूछे थे कि आप लोग किस इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कौन आपको लेने आएगा, उसके बाद मेरे साथ एक और स्टूडेंट थे जो कि इंडिया से थे, वो उस टाइम पे मैं देख रहा था क्योंकि जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस पूछने हो गए क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में कन्फ्यूज़ हो गए थे। वो उनको कह रहे थे इमिग्रेशन जो ऑफिसर हैं कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाएं ये दिखाएं, तो वो उस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो गया था कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट निकालूँ क्या निकालूँ क्या नहीं। खैर बस यह मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोग के पास जब अटैच रहेंगे डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग के पास बहुत मतलब आप लोग के पास सिंपल वो होगा, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस बहुत आहिस्ता हो जाएगा और इजी हो जाएगा। आप लोग इंशाल्लाह फिर आप लोग ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट से बाहर इजीली जा सकते हैं, तो देखिए बिना किसी टेंशन के। तो मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद जैसे आप लोग आगे फर्दर जाते हैं आप लोग को एक और फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप लोगों ने क्लियर लिखना पड़ता है कि आप लोगों को कौन लेने आएगा, कौन रिसीव करने आएगा, और उसके बाद बाकी उनका जीमेल हो गया, उनका नंबर हो गया, और वो क्या आपके रिलेशन में लगते हैं, उनका नाम क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप लोगों ने उसमें लिखना है कि हमारे फ्रेंड हैं, और उसमें बाकी आपको कोई भी रिसीव करने का उनका नाम हो गया, ईमेल हो गया और बाकी नंबर हो गया, ये चीज़ आप लोगों ने लिख लेनी है। और बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमारे से ये ना पूछ ले वो ना पूछ ले। देखिए कुछ भी नहीं पूछते, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपका जो पासपोर्ट आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद बाकी वैक्सीनेशन कार्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तीनों, और उसके बाद बाकी आपके ऑफर लेटर्स होने चाहिए, कॉलेज का क्या नाम है, कॉलेज के बाद आप लोग किस जो यूनिवर्सिटी है उसका क्या नाम है, और बाकी वहाँ पर आप किस कोर्स में जा रहे हैं। और ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से कि आप कोर्स के बाद क्या करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने बस उसमें यही बताना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स आई वांट टू कम बैक टू माय कंट्री। सो मतलब उसमें आप लोगों ने सिंपल यही करके लिखना है, बताना है कि उसके बाद बाकी आप लोगों ने यही आगे फर्दर बताना है कि हेयर आई कैन गेट बेटर जॉब्स लाइक इन बड़ी बड़ी कंपनीज के आप लोगों ने नाम लिखने के, आप लोग जिस कोर्स में जाते हैं उसके फील्ड के मुताबिक, अगर आप लोग के मेडिकल फील्ड में जाते हैं आप लोगों हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े नाम बताने हैं अपनी कंट्रीज के कि मैं वहाँ पर जाकर जॉब्स वगैरह करूँगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरह गलती से कभी भी मत बताना कि मैं वहाँ पर सेटल होने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस कुछ चीज़ें थी आपको मैंने आपके साथ शेयर करना था, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं पूछते। देखिए यकीन माने मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा, तो हमारे अपनी कंट्री में हमारे से सवाल पूछते हैं कि ये दिखाएं वो दिखाएं ये क्यों आया ये क्या हुआ है, लेकिन बाकी कंट्रीज में अगर आप लोग जैसे आप लोग फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे आगे जाएंगे तो आप लोगों से कोई आप लोगों से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है, वो सारा सिस्टम में चेक करते हैं कि स्टूडेंट का वीज़ा आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको वीज़ा दिया हुआ है, और बाकी या इंस्टीट्यूट से है वो बस आपसे पूछते हैं एक दो क्वेश्चंस, ताकि उनको पता है कि ये जो स्टूडेंट है इसको मालूम होना चाहिए कि वो किस कॉलेज जा रहा है, किस इंस्टीट्यूट और क्या करने जा रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस था। सो आज की वीडियो आ तक कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे भाई बहन थे वो कह रहे थे कि भाई हमें इंस्टा की आईडी दे देना, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप लोग इंस्टा में सॉरी सर्च लिखेंगे नईम हुसैन लिखेंगे NAEEMHUSSAIN, जब आप लोग नईम हुसैन लिखेंगे तो मेरी आईडी वहाँ पर आपको शो हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर भी जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं और बाकी जो आपको क्वेश्चन हैं वहाँ पर मुझे कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा आपको आंसर्स करूँगा, जिसका मुझे आंसर पता होगा वो मैं आपको आंसर बताऊँगा, जिसका नहीं पता होगा वो मैं आपसे थोड़ा टाइम मांगूंगा ताकि मैं उसको कन्फर्म करूँ और फिर उसके बाद आपको बताऊँ। सोरेन ये सारी जो मैंने आपको आपके साथ शेयर की है थोड़ी लेंथी करके इसलिए शेयर किया क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी गेट नहीं करते कुछ क्वेश्चंस को इस वजह से। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।